आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और आज क्या डिस्कवर करते हैं ये हम देखेंगे। तो आप मेरे साथ रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट के लिए। ये भी आप देख रहे हैं मस्जिद में अभी तक माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका हुआ है। और दूसरा ये है कि मैं आपको भी और भी कुछ चीज़ें दिखाता हूँ क्योंकि मैं अभी प्रिसन 2 में हूँ, आप लोग के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा चलें क्यों ना इसकी साथ आपकी जो भी हो सकता है मैं से चीज़ें शेयर करूं और जितना हो सकता है करूं। ये माशाल्लाह इसके इकबाल विला मुझे बड़े प्यारे लगते हैं और इसके साथ जो गार्डन है वो आप देख सकते हैं, वो और भी बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर आराम से खेला जा सकता है और ये आगे सामने कंस्ट्रक्शन की जो काम चल रहे हैं साथ, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक चीज़ मैं और आप लोग के साथ शेयर कर दूँ जो कि बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट है। अभी जो भी बैरियर टाउन के अंदर आ रहा है वो सिग्नल का ज़रूर ख्याल रखिए क्योंकि यहाँ पर हर जगह इन्होंने सिक्योरिटी और एक सार्जेंट खड़ा किया हुआ है और हो सकता है कि वो आपको फ़ाइन भी दे दे क्योंकि अभी जो है एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा हो गए थे पिछले दिनों, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है काफ़ी कवरअप इन लोगों ने कर लिया है। तो आप लोग भी जो बाहर आ रहे हैं बैरियर टाउन से और जो बैरियर टाउन के अंदर रहने वाले हैं तो वो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। और ये अच्छी बात भी है, हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारी खुद की सेफ्टी के लिए ये चीज़ें अप्लाई की जाती हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने सफ़र पे, तो देखिए आज हम इंशाल्लाह कुछ अच्छा और नया डिस्कवर कर देंगे। हो सकता है कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल भी शेयर करूँ आपके साथ, तो आप मेरे साथ रहिए और देखते हैं हम आगे क्या शेयर करते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स जो एक साथ कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। ये जैसा कि देख सकते हैं हालांकि रोड पूरे खाली हैं, सिग्नल लेकिन बंद है, तो हमें भी रुकना है और सबको चाहिए रुकना। जैसे ये भाई भी रुक गए हैं, चलो शुगर है। ये जैसे ट्रक यहाँ रुका हुआ है, ये पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इन सबको चाहिए कि सिग्नल का ख्याल रखें क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए सबसे अच्छा रहता है। ये मैं आपको दिखाऊँगा कि ये सिक्योरिटी भाई यहाँ पर खड़े हैं जो कि सिग्नल का ख्याल रख रहे हैं। और ये भी देखिएगा कि साथ ही बंद हो गया सिग्नल और ये भाई खड़े हैं। सिग्नल बहुत थोड़ा खुलता है यार। ये यहाँ पर अभी बेक पार्लर वालों की गाड़ी आई हुई है, तो यहाँ पर ये डिलीवरी दे रही है अपने ब्रेड की क्योंकि मैं तो पेशेंट हूँ। दिल्ली के सामने मरहबा स्टोर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो चलिए आज जरा इसके अंदर जाते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और ये स्टोर के अंदर क्या क्या इसकी जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। व्यूअर्स अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ मरहबा स्टोर के सामने। ये देखें भी यहाँ पर माशाल्लाह ताज़ी सब्ज़ी आई है और फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब आ गए हैं। ये अभी स्टोर के अंदर जाएंगे हम लोग और देखेंगे। अभी ये लोग खुला है, अभी ओपनिंग हुई है अभी। अच्छा, हर शॉपिंग गैलरी के बाहर जो है ये एक जो पूरी लिस्ट लिखी होती है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर जो है ये है एक बाल विला और इसके ऑपोजिट है कायद विला। ये माशाल्लाह मस्जिद आपको पहले भी दिखाई थी, अभी बन रही है। और जो अगर बात करें ये शॉपिंग गैलरी की, तो इसके सामने कुछ शॉप्स हैं जो अभी भी क्लोज हैं, अभी ओपन होंगी तो अभी काफ़ी टाइम है, तो इसलिए मैं आपको ज़रा बाहर से व्यू उसका करा दूँ। ये इस तरह का होता है, जो कुछ लोग पूछते हैं यार ये जो है शॉपिंग गैलरी किस तरीके की होती है, ये इस तरीके की होती है। अभी आपको अंदर का भी विज़िट करवाता हूँ। ये मरहबा का स्टोर है, अभी हम इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं क्या चीज़ मिलती है। ये माशाल्लाह डिज़ाइनिंग मुझे बहुत प्यारी और अच्छी लगी है, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन किया है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन है और थोड़ा सा डार्क ग्रीन है और बीच में भी डार्क है।
ये शॉपिंग गैलरी भी स्टार्ट है, इसके अंदर से देखना अभी यहाँ पर देख के। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, खैरियत से। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गैलरी बनाई हुई है। अभी यहाँ पर शॉप्स भी हैं लेकिन ये भी बंद हैं। दूसरी जो शॉप्स हैं वो इस तरीके की होती हैं, और यहाँ पर पहले कभी जिम भी था तो उसकी जगह डेलिकेसी जो है बेकरी खुल गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह बनाई है इन्होंने। तो बाकी इस तरह की गैलरी होती हैं। जब ये मस्जिद नहीं बनी थी तो यहाँ पर ये सफ़ें रखी हुई थी कि ताकि लोग नमाज आराम से पढ़ सकें, लेकिन अब ये मस्जिद बन गई है तो अब ये सफ़ें यहाँ पर तय करके रख दी गई हैं, लेकिन नमाज अभी भी ये लोग बाहर ही पढ़ते हैं क्योंकि अभी मुकम्मल मस्जिद नहीं बन पाई।